देखिए आप सभी का पता चलिए क्या होगा, कार्तिकेय 2 रिलीज हो चुकी है सिनेमा हॉल में, और जहां मैक्सन तेलुगु फिल्म मेकर्स मूवी के रिलीज होने के खिलाफ थे, वहीं अल्लू अर्जुन सपोर्ट में आ गए कार्तिकेय 2 की। तो चलिए जानते हैं कैसे अल्लू अर्जुन बने मसीहा निखिल सिद्धार्थ के लिए। देखिए कार्तिकेय 2 रिलीज होने के बाद दो न्यूज सामने आई है, गुड न्यूज और दूसरी बैड न्यूज। पहले आपको गुड न्यूज बता देता हूँ। देखिए आपको पता ही होगा काफी सारे तेलुगु फिल्म मेकर्स कार्तिकेय 2 के पीछे पड़े हुए थे। रिसेंट एक साउथ के प्रोड्यूसर दिल्लू राजू ने भी कुछ स्टेटमेंट दे दिया फिल्म पर, भैया कार्तिकेय 2 जैसे लो बजट फिल्म इतना ज्यादा स्क्रीन डिजर्व नहीं करती, और ऐसे 90% तेलुगु लोग खिलाफ इस फिल्म से, नहीं चाहते फिल्म हिट हो। मगर आप जानकर सच में खुश हो जाओगे, कुछ क्रिटिक्स रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिकेय 2 तेलुगु में सुपर हिट हो सकती है। भाई क्योंकि फिल्म को रिलीज के पहले अचानक सबूत से स्क्रीन मिल गया, और कैसे तो आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन के कारण। शायद अल्लू अर्जुन को पता चल गया होगा इस खेल को अच्छे तरीके से नहीं खेला जा रहा है, बल्कि चीटिंग किया जा रहा है कार्तिकेय 2 के साथ। किसी एक फिल्म को इतना भी दबाना ठीक नहीं है। भाई बैट्समैन अपना बॉल बैट लेके आया है, पर आप उसको खेलने के लिए ग्राउंड दोगे नहीं तो वो कैसे खेलेगा। सो अब अल्लू अर्जुन अपने डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी गीता आर्ट्स की मदद से करीब 107 स्क्रीन मैनेज करवा दिया है कार्तिकेय 2 के लिए। सो अब लग रहा है फिल्म फ्लॉप होने से बच जाएगा, कुछ अच्छा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर लेगी। देखिए अब मैं आपको बैड न्यूज बताता हूँ, यह सब ये कन्फर्म हो चुका है कार्तिकेय 2 हिंदी बेल्ट में टोटली फ्लॉप करेगी, क्योंकि फिल्म को मात्र 100 स्क्रीन मिला रिलीज होने के लिए। भाई इतना कम स्क्रीन आज तक कोई पैन इंडिया फिल्म को नहीं मिला था जितना कार्तिकेय 2 को मिला है, और आप सभी जानते होंगे ये सब कौन कर रहा है, बॉलीवुड के एक्ट्रेस ये लाल सिंह चड्ढा और अक्षय बंधन के मेकर्स ने सब प्लानिंग किया था। भाई कार्तिकेय 2 को पहले ही रिलीज के दिन इतना गिरा देंगे ताकि हिंदी ऑडियंस को पता ही नहीं चले आखिर कार्तिकेय 2 फिल्म है क्या, और कब आई ये फिल्म और कब चली भी गई। लेकिन सच में 100 स्क्रीन पर फिल्म क्या ही कर पाएगी, लाखों रुपए में कलेक्शन हो जाए वो भी ज्यादा ही समझो फिल्म के लिए। वैसे भी लोग कहते हैं ना, जो दूसरे के लिए गड्ढा करते हैं वो खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है, और अभी लाल सिंह चड्ढा के आमिर खान रक्षाबंधन के अक्षय कुमार का वही हाल हो रहा है। जनता दिल खोल के बॉयकॉट ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है। इनके फिल्म को लोग कम से कम देखने जा रहे हैं, जितना ही लोगों ने उम्मीद की थी उतना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन नहीं कर पा रही है फिल्म। बड़े तेज बने थे ये लोग, सोचा था 4,000-5,000 स्क्रीन पर फिल्म को रिलीज करेंगे तो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, लोग टूट पड़ेंगे फिल्म देखने के लिए, पर तेजन कुछ और ही निकल गया। दूसरे दिन काफी सारे लाल सिंह चड्ढा की स्क्रीन कैंसिल हो गया, ऑडियंस गए ही नहीं फिल्म देखने के लिए, और कुछ ही दिनों में ये दोनों फिल्में 50-60 करोड़ तक पहुंचकर थिएटर से उतर भी जाएगी। खैर अब देखते हैं कार्तिकेय 2 के साथ कैसा हाल होने वाला, हिंदी बेटों ने उम्मीद तो छोड़ना ही पड़ेगा। आपको सर नजदीक के सिनेमा हॉल में भी कार्तिकेय 2 देखने को ना मिले, मात्र 100 स्क्रीन पर कहां कहां पर शो चलेगा, फिर बड़े बड़े शहरों में कुछ जगह पर चल रहा होगी ये फिल्म। हो फिल्म अच्छी कमाई कर ले और अपने बजट भी कम से कम रिकवरी कर ले, उस फिल्म का दुश्मन केवल बॉलीवुड नहीं बल्कि इनके अपने तेलुगु में भी ढेर सारे भरे पड़े हैं। बेचारे निखिल सिद्धार्थ का पूरा कैरियर डिपेंड करता है इस फिल्म से। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक आप सभी को अलविदा।